506 एक आदमी ये कहता तेरी नाक काट दूंगा। हाथ काटने और नाक काटने से हत्या होती है कि नहीं होती है? होती है नहीं होती है? फिर 307 क्यों नहीं लगी? और चूंकि आदिवासी है दोनों, वो सामान्य वर्ग से आते हैं, तो आपने क्यों नहीं इस पे एट्रोसिटी एक्ट लगाई? आपने वीडियो देखा या नहीं देखा? ये तालिबान है, कानून का राज है कि तालिबानी राज है, ये बताओ। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अब जो चाहे वो हम करेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो किसी भी महिला की हम नाक काट सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। दोस्तों, ये जो बयान मेरे नहीं है, ये बयान है भारतीय जनता पार्टी के। सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी के उस नेता का बयान है जो कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, और मध्य प्रदेश में सरकार है शिवराज सिंह चौहान की, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं मामा हूँ। क्या कहते हैं? मैं मामा हूँ। लेकिन इसी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेता सरेआम मंच में, आम सभा में, दिन दहाड़े पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में क्या कहता है? सूर्पनखा तो सूर्पनखा होती है, ये जो कलावती है हम उसकी नाक काटेंगे और नाक काट कर लेकर जाएंगे, क्योंकि उस मुगालते में मत रहना, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप बात कर रहे थे कलावती की, अरे सूर्पनखा तो सूर्पनखा होती है, इसकी तो नाक काट के ले जाएंगे। हाँ, अब वो मुगालते में नहीं रहे, अब सरकार भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में और दिल्ली में, अब जो हम चाहेंगे वो होगा। भारतीय जनता पार्टी के इस बिगड़ेल नेता ने खुलेआम मंच से ऐसा कहा, और मन से ऐसा किसे कहा? एक कांग्रेस की विधायक कलावती जी हैं, जो कि एक आदिवासी भी हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। काफी लोग जो SC ST एक्ट का विरोध करते वो भी क्या कहते हैं कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। आज मैं उन तमाम लोगों से ये जानना चाहता हूँ, खुलेआम दिन दहाड़े मंच में और पूरी पुलिस के सामने, पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में यह बात कहता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस नेता पे क्या अभी तक SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है? मैं पूछना चाहता हूँ कि SC ST एक्ट क्या कहता है? मैं जानना चाहता हूँ कि कोई किसी को धमकी देता है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये जानना चाहता हूँ, अब हाथ में हाथ रखे आप क्यों बैठे? मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक आप अपने आप को मामा मामा कहते हैं, इस प्रदेश की बच्चियों को अपना मामा कहते हैं, इस प्रदेश की महिलाओं को अपना भाई कहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी बहन को एक आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि मैं उसकी नाक काटूंगा, अब आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए, आपको क्रोध नहीं आया? आपको गुस्सा नहीं आया? आपने अपनी नाराजगी भी व्यक्त नहीं की? अरे क्यों करेंगे आप नाराजगी व्यक्त? क्यों आएगा आपको गुस्सा? क्योंकि हकीकत में आपकी बहन को यदि कोई ऐसा कहता, पुलिस उसे अब तक जेल की कोठरी में डाल देती। अरे किसी महिला की बात छोड़िए, किसी गाय के साथ भी किसी ने इस प्रकार की बदतमीजी भी की होती ना? आपकी पार्टी के नेता, राष्ट्रवाद की बात करने वाले जो नेता, आपकी पार्टी के नेता जो गला फाड़ फाड़ के भारत माता की जय करते हैं, आपकी पार्टी के जो नेता, आपके जो समर्थक अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक समझते हैं, हिंदुत्व की दुहाई देते हैं, वे कोहराम मचा देते पूरे प्रदेश के अंदर में। लेकिन सवाल क्या है? किसी महिला के बारे में जो चाहे वो बोल दो, क्योंकि सरकार आपकी है, संरक्षण आपका है। ये आरोप इतने गंभीर है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपने उस नेता पर जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो नहीं की, इसका मतलब ये है कि आप ढोंग करते हैं। आप ढोंगी अगर मामा आपको कहे तो अतिशोक्ति, आपको नाराजगी, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए।
क्योंकि आपको बुरा उस समय नहीं लगा कि आप अपने आप को जब कहते हो इस प्रदेश की जो महिलाएं मेरी बहनें हैं, तो आपकी बहन को आपकी पार्टी का नेता ऐसे कैसे कह सकता है कि उसकी नाक वो काटेगा। तो दोस्तों, हम इस सरकार से कोई अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी तक अगर ये बात पहुंचेगी तो मुझे मालूम है वो भी कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। याद है आपको उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के बारे में क्या कहा था, जब प्रज्ञा ठाकुर ने एक देश के लिए शहीद होने वाले हेमंत करकरे के बारे में जो अपमानजनक शब्द कहे थे, अपमानजनक भद्दी भद्दी टिप्पणियां की थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कहा था कि मैं दिल से माफ नहीं करूंगा। अरे दिल से माफ नहीं करूंगा तो दिल से कैसे माफ किया जाता है, तो दिल से कैसे माफ किया जाता है ये आप सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर इस नेता का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, बहरहाल अभी वो विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी बयान आप सुनिए। लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के इस नेता का बयान आपको सुनिए। और आप बात कर रहे थे कलावती की, अरे सुरपणखा तो सुरपणखा होती है, किसी तो नाक काट के ले जाएंगे। हाँ, अब वो मुकाबले में नहीं रहे, अब सरकार भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में और दिल्ली में, अब जो हम चाहेंगे वो होगा। तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब को लाए हैं या नहीं आए हैं, आगे लाओ। बुला नहीं तो मैं फिर वहां एसडीएम कार्यालय में चला जाऊंगा सबको लेके। बुला उधर। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हठधर्मिति और अहंकार की पराकाष्ठा कर दी। 230 किसानों ने दम तोड़ दिया, नरेंद्र मोदी के मुंह से हलक से एक शब्द उनकी संवेदनाओं का नहीं निकला। आज एसडीएम साहब हैं आप, कहां है एसडीएम साहब, कितनी देर में आएंगे? एडिशनल एसपी आए हैं, एडिशनल एसपी कौन है? सीएसपी आए हैं, आप ही हैं। ये एक महिला, आदिवासी महिला, आगे आओ सर, आगे आओ आप। ये थाना आपके इंचार्ज में आता है? एक मिनट, एक मिनट। एक आदिवासी महिला को ये थोड़ी बार बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? बेन एक मिनट, बेन सब बैठ जाओ जरा, बेन एक मिनट। एक आदिवासी महिला पे अगर कोई ये कहे कि तेरा हाथ काट दूंगा, कौन सी धारा लगती है? वीडियो देखा आपने? देखा? फिर कौन सी धारा लगती है? 523 लगाई आपने? क्यों? तो 506, एक आदमी ये कहता तेरी नाक काट दूंगा, हाथ काटने और नाक काटने से हत्या होती है कि नहीं होती है? होती है, नहीं होती है? फिर 307 क्यों नहीं लगी? और चूंकि आदिवासी है, दोनों वो सामान्य वर्ग से आते हैं, शाह साहब और दूसरा कौन था, सोनी जी, तो आपने क्यों नहीं इस पे एट्रोसिटी एक्ट लगाई? आपने वीडियो देखा या नहीं देखा? ये तालिबान है, कानून का राज है कि तालिबानी राज है, ये बताओ क्या राज है? तो फिर इस तरह की धारा क्यों नहीं लगी अभी तक? कितने दिन हो गए घटना को? घटना को कितने दिन हुए सर? मैं आपसे आपकी ड्यूटी क्या है वो पूछना चाहता हूं। कोई, हम तो आपके सेवक हैं, हम आपसे अलग भी नहीं है। प्रशासनिक, जितना प्रशासनिक हल्का होता है उनके कारण ही लोकतंत्र जिंदा रहता है, वो न्याय करते हैं। हम आपके साथ हैं, हमें पता है प्रशासन पर दबाव रहता है, पर उसकी एक सीमा होती है। एक महिला का तेरा हाथ काट दूंगा, तेरी नाक काट दूंगा, जान से मारने की धमकी दी, वो महिला आदिवासी है, एट्रोसिटी एक्ट लगता था, नहीं लगा, और तीन चलती फिरती धाराएं लगाई। ये क्या हो रहा है भाई? शिवराज जी, ये है आपका माफियाओं के खिलाफ अभियान। इस तरह के दो आंखों से माफियाओं को देखते हैं आप? आप जो करते हैं बीजेपी का माफिया साफ साफ, और माफिया उस पर कार्रवाई करूंगा, और रोज भाषण देते हैं आप। ये है आपकी पुलिस, ये है आपका प्रशासन, और ये अन्याय ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। मैं पूछना चाहता हूं सिर्फ शिवराज जी इस मंच से, इस पावन मंच से, कि इस कलावती की जगह आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, आपके परिवार की कोई होती, मेरी बहन होती, जिसको जान से मारने की बात कहते, तो आप क्या करते? यह प्रश्न है। आदरणीय सीएसपी साहब,
मैं आपके माध्यम से एसपी को बोल रहा हूँ और आदरणीय तहसीलदार जी, ये आपके माध्यम से मैं कलेक्टर को बोल रहा हूँ, 24 घंटे में जो धाराएं लगनी चाहिए लगनी चाहिए, नहीं तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में, खुद कमलनाथ उनसे मेरी बात हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री आपके कलेक्टर ऑफिस में, एसपी ऑफिस में आपसे इस पूरे प्रकरण को लेकर मिलने आएंगे, बता दूं मैं, 24 घंटे न्याय करो, न्याय। हम ये नहीं कहते कि धाराएं लगाओ बढ़ाओ, नहीं, जो लगनी चाहिए जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधानसभा 22 की चलेगी, उसके पहले हम आप लोगों से मिलने आएंगे, बाद में मत कहना कि ऐसा ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई, हाथ जोड़ के निवेदन है, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, धन्यवाद।